नौ दिन का नवरात्र व्रत रखने पर क्या हमें घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो इस नवरात्रि व्रत से रिलेटिव 4 से 5 बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और माता रानी आप सब पर ढेर सारी कृपा दृष्टि बनाए रखें अपनी। तो कृपा दृष्टि मैया की पाने से पहले आप लोग को ये जानकारी लेना जरूरी होता है कि हमको भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको नहीं, सबको ये जानना जरूरी है कि किसी का भी आशीर्वाद पाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। कोई भी फल ऐसे ही सरलता से नहीं मिल जाता है, उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पालन करने पड़ते हैं। नहीं तो बस थाली सजा लिए, पूजा कर लिए, अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर मुझे आप लोग मेरी आईडी मंजू तिवारी के नाम से वहां पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर मंजू यूपी ब्लॉग वीडियो 57। गीत सुनने के लिए आप हमें मंजू तिवारी ऑफिशियल पर भी सहयोग कर सकते हैं, वहां पर मैं अच्छे गीत सुनाती हूँ। आप लोग का ज़्यादा समय न खर्च करते हुए मैं जरूरी जरूरी बात आप लोग को बता देती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में कलश रखा रहता है, हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, हम जिस घर में कलश रखा रहता है, ये जरूरी नहीं है कि जिसने कलश स्थापना की है, घर के सारे सदस्य तो कलश स्थापना करते नहीं हैं, सिर्फ एक ही बहन कलश स्थापना करती है घर में, फिर भी उस घर से ना तो बेटी की विदाई होती है और ना ही बहू की। अगर बेटी ससुराल से आई हुई है अपने घर, तो नवरात्रि के बाद ही विदाई होती है। हमारे यहाँ नवरात्र में विदाई नहीं होती है। और बहू की भी अगर मायके जाना है, कोई इमरजेंसी, मान लीजिए कि इमरजेंसी क्या, अब आपसे कह ही देते हैं, दिल की बात जो है, जो होता है घटित होता है हर घर में, हर परिवार में, हर दिन अगर कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ भी जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है अचानक में, तो आप जैसे हैं, जिस वस्त्र में हैं, क्या है कैसे है, उस हिसाब से जा सकते हैं। और भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए, माता रानी सबके घर में खुशियाँ बनाए रखें, तो बाकी के 9 दिनों में हवन के बाद ही आप कहीं आवागमन कर सकते हैं। ये बात तो हो गई पूरे परिवार के लिए, कहीं आने जाने के लिए परदेसी भी नहीं जाएं जो है। दूसरी बात ये होती है कि जिन्होंने घर पर कलश रखा हुआ है, उनको मायके ससुराल या कहीं भी दर्शन करने या घूमने टहलने जाने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने माता रानी का आह्वान अपने घर में किया हुआ है, कलश स्थापना की हुई है, दीपक जलाया हुआ है, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत। अगर जाना ही है तो सिर्फ माता रानी के धाम जाइए, विंध्याचल चौकिया जाइए, वो भी शाम से पहले आप अपने घर आ जाएं। सुबह की पूजा करके जाते हैं तो शाम की पूजा अपने घर पर ही करें। घर की चकिया कोई पूजे, पाथर पूजन जाए, घर की चकिया जो कोई पूजे तो ओकर कोनो गड़बड़ ना होते। तो घर पर आपने श्रद्धा भाव से पूजा रखी है, ये बात हो गई। अखंड ज्योति कम ही लोग जलाते हैं, ठीक है, अखंड ज्योति हर घर में नहीं जलाई जाती नवरात्रि में, लेकिन अखंड ज्योति जलाने वाला व्यक्ति खास करके कहीं बाहर नहीं जा सकता 9 दिन नवरात्र, किसी भी कीमत पर नहीं जाना है अगर आपने घर में अखंड ज्योति जला दी है, एक बात। और दूसरी बात और है कि आप काले वस्त्र इन 9 दिन में नहीं धारण करें घर में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये जो मांगलिक कार्य है, शुभ कार्य है, नवरात्रि है, तो इसमें आप जो है काले कपड़े, काले वस्त्र ना पहने। अगर आपको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ जाती है या बेटी की ही विदाई मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो कृपया आप लोग ध्यान दें, जो आपके पास पुराने वस्त्र हैं, ऐसा नहीं कि पुराने हैं, आपने 2-4 बार पहन रखे हैं, साड़ी वगैरह धुल के रखे हैं, वही पहन के, नए वस्त्र में मेरी दादी कहती थी पहन के कहीं आना जाना नहीं चाहिए माता रानी के सामने। रंग कलर ये सब नहीं लगाया जाता, सिंपल बाल कंघी, सिंपल सी तैयारी करके आप विदाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। चमड़े की कोई भी वस्तु आपको नहीं लेना है, जैसे पर्स हो गया, जैसे बेल्ट हो गया, जेंट्स भाई लोगों का, मतलब चमड़े की कोई भी वस्तु 9 दिन नवरात्र में नहीं खरीदी जाती है। और दिया नहीं जलाना है, काला वस्त्र नहीं पहनना है, ठीक है। हाथ के नेल भी नहीं काटे जाते हैं, यानी नाखून भी आपको 9 दिन नहीं काटना है। उसके बाद में, और मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बता ही दिया था कि नवरात्रि के एक दिन पहले बाल वगैरह धुल के सब
चीज से बढ़िया से रेडी होके वर्क छावना। अब व्रत में एक खास बात का ख्याल रखना होता है, जैसे हमारे यहाँ कल व्रत रखना है तो जो भी चद्दर बिस्तर होते हैं उसको धुल दिया जाता है, उसी पर ही विश्राम किया जाता है, ना कि डेली यूज जो भी चद्दर बिस्तर जो भी सीट लगी हुई है उसी पर आप जाके लेट जाए, क्योंकि बच्चा भी जाके बैठ गया है, कोई बड़ा भी जाके बैठ जाता है, कोई कुछ खा पी लेता है तो बिस्तर जूठा हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा करती हूँ जो भी मैं छोटी छोटी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, हमारी दी हुई जानकारी से हमारे सभी दर्शक भाई संतुष्ट होंगे। तो हमारे भाई बहन अगर हमसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके आपको जिस भी तरह की जानकारी चाहिए प्लीज आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे गीत के चैनल पर आप लोग हमसे बोलते हैं कि दीदी ये गीत सुनाइए, दीदी वो गीत सुनाइए, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर भी मेरी हेल्प करिए, मुझे आगे बढ़ने में सहयोग करिए। अगर आप लोग कुछ टॉपिक पूछते हैं तो उस पर मैं अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2 ईयर कंप्लीट होने को हैं फिलहाल के लिए, अभी मेरी फैमिली कितनी छोटी है यहाँ पर तो मैं क्या ही बताऊँ अपने बारे में। बाकी जो कुछ भी मुझे ज्ञान है मैं यहाँ पर बिखेरने का प्रयास कर रही हूँ, तो उस पर आप लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, मतलब देखना सुनना जानना क्या है कैसे है। हाँ, कहीं भी मुझसे गलती होती है, भूल चूक होती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो 2 से 3-4 वीडियो नवरात्रि भर में आएंगी, जो कि आप लोगों को उसका नियम का पालन करना ही करना है। चलिए फिर मिलती हूँ अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।